मैं हूं आशुकेन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद बांदा की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामायण में शिरकत की। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और कड़े निर्देश जारी किए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कायम किया। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े ही सदे शब्दों में जवाब दिया, साथ ही विपक्ष को नसीहत भी दी। बांदा से सुलोचना तिवारी की रिपोर्ट। और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों जो हमारे अस्पताल हैं उनकी हमने बिंदुवार समीक्षा की है। पूरे मंडल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों इसके लिए बात की गई है। सभी अस्पतालों में चिकित्सक समय से बैठे, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, रिफर बिल्कुल ना किया जाए और यदि बगैर कारण के कोई रिफर करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एम्बुलेंसेस समय से पहुंचे उसके लिए कार्यदायी संस्था को भी हमने चेतावनी देने के लिए कहा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपने अच्छी तरह सुना है कि इस देश के अंदर सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर सबसे बड़ा जो व्यवस्था है वो गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी है, युवा के साथ है, महिलाओं के साथ है और इसके अलावा सब किसानों के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है और भारतीय जनता पार्टी इन तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आई है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को।